सिंध में आईजी पुलिस की तकरूरी के सिलसिले में अहम पेशरफ्त हुई है। सिंध हुकूमत ने आईजी कलीम इमाम की जगह 3 नाम तजवीज कर दिए। इस हवाले से आपको मजीद बताएं कि सिंध हुकूमत ने आईजी की तकरूरी के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी खत लिख दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे समीर कुरैशी की रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत ने आईजी सिंध कलीम इमाम की जगह विफाक को 3 नाम तजवीज कर दिए हैं। सिंध हुकूमत का मुतालबा है कि कलीम इमाम को हटाया जाए और सूबे में नया आईजी तैनात किया जाए। ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में सिंध हुकूमत की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को ख़त में जो 3 नाम तजवीज़ किए गए हैं, इनमें गुलाम कादिर थेबो, मुश्ताक मेहर और कामनान फजल शामिल हैं। सिंध हुकूमत ने आईजी के लिए ये नाम विफाक से मुशावरत के बाद तजवीज़ किए हैं। ज़राए का कहना है कि विफाकी हुकूमत को खत चीफ सेक्रेटरी के जरिए अरसाल किया गया था। दूसरी जानिब मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि विफाक की जानिब से कोई नाम नहीं भेजे गए, जबकि जो नाम सिंध हुकूमत ने भेजे हैं उन पर भी अब तक कोई एतराज़ नहीं किया गया। लगता ऐसा है कि सिंध हुकूमत और आईजी कलीम इमाम के माबेन तनाज़ा अब अपने इख्तिताम तक पहुंचने लगा है। समीर कुरैशी, 710 न्यूज़, कराची।